हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुभाषिस। अभी हम लोग वीकली चार्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग, मार्केट क्रैश हो सकता है, करेक्शन है, ऊपर जाएगा, बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो अभी हम लोग देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट कहाँ जा सकता है और स्पेशली इन बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कहाँ पे लगा सकते हो, एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। और एक मैं आपको पोजिशनल के लिए एक स्टॉक बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, आने वाले में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन हर एक ट्रेड लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना ही रिस्क लो। और एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, आप 1 लाख का रिस्क ले सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कल सुबह जाके पहले ही ट्रेड में आप 1 लाख का रिस्क ले लो। 1 लाख को आपको डिवाइड करना पड़ेगा एटलीस्ट इन 10 to 15 ट्रेड, सो दैट आपको पता चलेगा हाँ अगर 5 ट्रेड भी कंटिन्यूसली लॉस होता है, नेक्स्ट ट्रेड आप सेम क्वांटिटी में ले सकते हो। लोग गलती बहुत सारा यही करते हैं, उन लोग बड़े क्वांटिटी में लॉस कर देते हैं, फिर सोचते हैं छोटे कैपिटल में उन लोग वो जो बड़े लॉसेस किए उनको रिकवर करें, जिसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपका क्वांटिटी साइज सेम होना चाहिए एटलीस्ट टू 10-15 ट्रेड, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो आइडियाज के ऊपर, फिर आपको ईजी रहेगा। चलिए अभी हम लोग वीकली चार्ट के अंदर आ चुके हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे लास्ट 2 वीक 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। एक शार्प सेलिंग जरूर आया था लेकिन फॉलो थ्रू नहीं था, इसका मतलब कंटिन्यूशन नहीं था। जिस तरीके से ये कैंडल बना है, यहां पर जैसे कैंडल बना है यहां पे, इसका मतलब अगर बड़ा मोमेंटम करेगा तो बहुत सारे डायरेक्शनल में एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर 3 वीक का कैंडल हम लोग देखेंगे, समय अराउंड सेम रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, कहीं बड़ा मोमेंटम है नहीं डायरेक्शनल। अभी मैं आपको कुछ एडवांस पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, फिर एनालिसिस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट थिंग, यहां पे एक रेंज आप लोग डिसाइड कैसे करोगे, सिंपल वे कौन सा होता है, वीक टू वीक। अगर हम लोग ये अपर वीक से लेकर लोअर वीक तक अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हमारा रेंज हो गया, इसी के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर अपसाइड ब्रेक करता है आप बाय कर सकते हो, डाउनसाइड ब्रेक करता है आप सेल कर सकते हो। यहां पे इश्यू कहां पे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जो टाइम फ्रेम है वो वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप वीक टू वीक का रेंज बनाते हो तो स्टॉप लॉस विल बी वेरी यूज। यहां पे ब्रेक करता है तो नीचे रेंज में अगर स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो 1200 से 1300 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लग सकता है इन दिस केस। यहां पे अगर 1000-1200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैं छोड़ रहा हूं, इसका मतलब मेरा टारगेट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, 2000-3000 पॉइंट ऊपर जाएगा या फिर 2-3 वीक इस रेंज में बना रहेगा, तो आपको बहुत ज्यादा इशू होने वाला है क्योंकि आप यहां पर फंसे रहोगे और आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी आप कर क्या सकते हो इन दिस केस, अगर मैं जनरली आपको बताऊं यहां पर ट्रिक क्या यूज कर सकते हो, सिंपल, जब भी आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है राइट, अगर रेंज आप डिफाइन करना चाहते हो, मैं जनरली क्या करता हूं, लेट्स से यहां पे एक बॉडी बनाए, ये वीक से यहां पे ओपन क्लोज इस तरीके का बॉडी बनाता है, यहाँ पे ओपन हुआ है यहाँ पे क्लोज, इसका मतलब ये रेड कैंडल होगा, मार्केट ओपन होकर नीचे क्लोज दिया है, मतलब सेम इसी से का कैंडल बनाएगा। अभी मैं क्या करूंगा, ये अपर बॉडी में एक रेंज बना दूंगा, लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये मेरा अपर रेंज है और जहां से लोअर बॉडी क्रिएट हुआ होगा, जहां से मार्केट ओपन हुआ है ग्रीन कलर का, ये मेरा रेंज हो गया। तो अभी आपको दिख रहा होगा 70-80% एक्टिविटी इसी के अंदर हुआ है, नो डाउट। यहाँ पे वीक्स लगाने के लिए मार्केट ऊपर भी गया था, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी, लेकिन मैक्सिमम इसी के अंदर हुआ है, अभी भी ये रेंज के अंदर है। अभी क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम हो गया। आई होप ये एडवांस पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अभी मैं आपको बताता हूं चलिए कौन से लेवल पे आप बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। चलिए पहले हम लोग रेंज डिफाइन कर लेते हैं, ये कर लिए। अभी अगर हम लोग देखेंगे 35,450 अगर ये क्रॉस करता है, करेक्ट, अपसाइड अगर ये क्रॉस करता है तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 200 से 250 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं, या फिर 150 से 200 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे तो वोलेटिलिटी में ही निकल जाएगा 150 से 200। हम लोग इसको बाई क्यों कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये रेंज के अंदर है। रेंज से जब भी मार्केट निकलता है, फ्लो में निकलता है, अगर आप स्टॉप लॉस कम डालोगे, लेट से लास्ट क्लोजिंग प्राइस या लास्ट स्विंग में डाल दोगे, मैक्सिमम 200 के अंदर का स्टॉप लॉस डालोगे, अगर ये 1000-1500 पॉइंट मूव करता है तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ निकलता है 34,800 के नीचे, 34,800 अगर ये क्रॉस करता है, फिर आप 35,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल कर सकते हो। टारगेट क्या होना चाहिए, जनरली यहां पे टारगेट होगा क्योंकि इट्स अ स्विंग, यहां से स्विंग ब्रेकआउट होता है आपका टारगेट इतना बड़ा हो जाएगा। अगर अपसेट ब्रेक करता है आपका टारगेट क्या होगा, जो लास्ट स्विंग है जहां से प्राइस रिजेक्शन हुआ था, दोनों ही केस में आपको बहुत अच्छा एक प्रॉफिट मिल सकता है, तो यहां पर आप जरूर ट्रेड करना। अभी थोड़ा सा और एडवांस लेके चलते हैं, लेट्स इमेजिन आप लोग यहां पर बाई किया 35,000
450 में आपने बाई किया, और ये मैं स्पॉट के ऊपर बता रहा हूँ। सेम एनालिसिस आप फ्यूचर के ऊपर कर सकते हो, जिनको फ्यूचर में ट्रेड करना है। मैं हमेशा स्पॉट के प्राइस देखकर ही ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, और स्पॉट के प्राइस देखकर ही मैं फ्यूचर का स्टॉप लॉस हो गया। लेट्स से फ्यूचर अभी अभी स्पॉट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है 35,450, सेम टाइम में मैं फ्यूचर बाय कर लूंगा, और स्पॉट पे अगर ये 200 पॉइंट नीचे आ जाता है तो फ्यूचर का भी जो प्राइस चल रहा होगा मैं वहाँ पे निकाल देता हूँ। मैं बार बार दो तीन चार्ट नहीं देखना पसंद करता, मैं स्पॉट देखता हूँ और ऑप्शन चार्ट देखता हूँ, फ्यूचर चार्ट में ज़्यादातर देखता नहीं हूँ। स्पॉट के हिसाब से ही मैं बाय सेल करता रहता हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं थोड़ा सा और एडवांस बताता हूँ। 35,450 के ऊपर अगर आप लोग बाय कर रहे हो, 200 रुपये का स्टॉप लॉस है, बहुत सारे लोग ये तो वॉलेटिलिटी में सर निकल जाएगा, फिर इसको कैसे ट्रेड करेंगे, हो सकता है आपका लेवल भी आ गया फिर एसएल बीट कर गया, क्या हम लोग सर 500 रुपये का स्टॉप लॉस रख दे सेफ साइड? मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जस्ट इमेजिन अगर ये दो केसेस हो सकता है, 35,450 के ऊपर क्रॉस करने के बाद ये डायरेक्टली अपसाइड जाना स्टार्ट कर दे, या फिर आपका एसएल हिट करे फिर अगर ऊपर जाता है फिर आप इसको रीएंट्री कर सकते हो, ये सेकंड केस में है। लेकिन अगर फर्स्ट केस के अंदर ये डायरेक्टली चला जाता है तो आपका रिस्क कितना है? 200 पॉइंट रिस्क देकर हो सकता है 500-1000 पॉइंट कमा लो, तो आपका रिस्क बहुत कम था, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। अगर ये नीचे आता है, 200 पॉइंट का एसएल हिट किया, तो फिर आपका 35,450 लेवल अगर ये रिटर्न आता है फिर से ऊपर जाता है फिर से आप 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर फिर से बाई कर सकते हो। हाँ, हो सकता है दो बार आपने एंट्री किया लेकिन आपका स्टॉप लॉस बहुत कम है। मैं बार बार ये पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस करता हूँ, आप दो बार एंट्री कर सकते हो लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस अगर मार्केट को आप दोगे इसका मतलब बस आप वेट कर रहे हो, ये साइडवेज चला जाएगा फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर इसको ऊपर जाना है बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो 200 रुपये का स्टॉप लॉस दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। सेम डाउन साइड भी, आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, अगर ये 35,800 के नीचे आया आपने 35,000 का एक स्टॉप लॉस लगा, मार्केट नीचे डायरेक्टली आ जा रहा है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर ये 35,000 टच कर गया फिर आप वेट करोगे, वेट एंड वॉच करोगे, आपको उससे ज्यादा स्टॉप लॉस देना नहीं है। अगर ये नीचे की तरफ फिर से आता है फिर से आप रीएंट्री कर सकते हो, अगर 35,400 के ऊपर जाता है तो फिर से आप रीएंट्री कर सकते हो अपर साइड ऊपर की तरफ मोमेंटम के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ ये आप प्रैक्टिस के लिए 100% करना, क्योंकि मार्केट इज इन रेंज, जब भी मार्केट रेंज में होता है आपके पास पोटेंशियल है एक पैसा कमाने के लिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं मेरा व्यू क्या है, या फिर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर आप कौन सा साइड सोच रहे हो, अपसाइड ब्रेक करेगा या नीचे की साइड ब्रेक करेगा? बहुत सारे लोग मार्केट क्रैश करेगा, बहुत सारे लोग और ऊपर जाएगा करके बोल रहे हैं। देखिए अगर कुछ 100% करेक्ट होता या 100% कॉन्फिडेंस होता मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है तो यहाँ पे मैं 1 लाख 2 लाख नहीं अपने घर भी लोग बेच देंगे कि नहीं 100% मैं श्योर हूँ यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो कभी भी 100% कोई चीज़ें श्योर नहीं होता, इसी के लिए हम लोग स्टॉप लॉस डालते हैं। और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट अभी रेंज में है जो आपके लिए एक अच्छा पैटर्न बना के दिया है। अभी मार्केट ये इस तरीके का रेंज बहुत कम बार होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे बॉडी टू बॉडी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक बार हुआ था और यहाँ पे एक स्मॉल स्मॉल कैंडल मूव किए हैं। यहाँ पे स्मॉल मोमेंटम क्यों हुआ है क्योंकि लास्ट 2 वीक से एक बड़ा मोमेंटम था, लेकिन यहाँ पे बस एक ही वीक बड़ा मोमेंटम हुआ है और ये वीक टू वीक भी स्मॉल रेंज के अंदर है। तो बॉडी तो स्मॉल रेंज के अंदर ही है लेकिन वीक मतलब मार्केट बहुत ऊपर भी गया नहीं है, एक स्मॉल रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा जिस तरीके से मैंने आपको रेंज डिफाइन किया। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अगर देखेंगे इट्स ए प्रीटी स्ट्रांग, अभी कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ आया फिर ये ऊपर की तरफ कुल बैक किया है। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर क्या अभी इसको कंटिन्यू बाय करना चाहिए? अगर आपके पास बाइंग का पोजीशन है तो आप लास्ट वीक का लो के आसपास स्टॉप लॉस लगा के इसको कंटिन्यू करते चलो, अनटिल एंड अनलेस ये बेंड ना हो, क्योंकि अभी तक यहाँ पे लास्ट जो वीक का ब्रेकआउट दिया नहीं है कभी। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया नहीं, इसका मतलब जो लास्ट वीक का लो है वो अभी भी सस्टेन हो रहा है, इसका मतलब बायर ऊपर जा रहा है उसको फॉलो करते चलो। यहाँ पे जैसे ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे फिर एक सेलिंग का सिनेरियो बन सकता था, फिर वीकली बेसिस में ये ऊपर क्लोज दे दिया, फिर आप वीक फॉलो करते चलो। जब यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो बनेगा तब एक मोमेंटम भी आपको मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हो, यहाँ पे फॉलो करते चलो। हाँ, निफ्टी से ज्यादा मेरा उम्मीद नहीं है कि नहीं बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है, लेकिन 16,000 भी यहाँ पे एक राउंड नंबर है तो चांसेस है अगर बैंक निफ्टी हॉल्ट करता है 35,000 हम लोग डेली एनालिसिस में देखेंगे ये लेवल अगर हॉल्ट करता है तो फिर ये कंटिन्यू हो सकता है ये 16,000 और बैंक निफ्टी में बड़ा मोमेंटम हो सकता है क्योंकि एक रेंज में है। आई होप जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसको कहीं पे लिख लो। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम
फ्रेम में रेंज डिफाइन कर रहे हो तो बॉडी टू बॉडी करना, जहां पे ओपन प्राइस, रेड कैंडल मतलब ओपन प्राइस, ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस, तो आपका रेंज डिफाइन होगा। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में कर रहे हो तो आप वीक टू वीक कर सकते हो, अपर रेंज वीक और नीचे वीक का भी आप लोग रेंज बना सकते हो, तो आपको ईजी रहेगा स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए। अभी चलिए हम लोग स्टॉक देख लेते हैं पोजिशनल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहो, सो दैट मैं आपको ये सारे पॉइंट बताते रहूं और आप लोग इसको नोटेड डाउन करते रहो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। अभी अगर हम लोग देखेंगे डॉक्टर रेड्डी वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट किया है, लेकिन खुद सोचिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, लास्ट तीन वीक से कंटिन्यूसली सेम रेंज में ट्रेड कर रहा था। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये रेंज के अंदर कोई भी साइड अगर ये ब्रेकआउट देता है एक मोमेंटम कर सकता है। सेम यहाँ पे भी तीन वीक से सेम स्टॉक सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है, वीक बहुत ऊपर है लेकिन बॉडी टू बॉडी लेवल पे सेम लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। नो डाउट यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट दिया होगा नीचे की तरफ, आपका एसएलईट हुआ होगा, परफेक्ट, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ही बहुत कम है। ये जब ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया होगा वहां का, उसका अगर स्टॉप लॉस देखोगे और प्रॉफिट देखोगे इट्स वेरी ह्यूज। इसलिए मैं बोलता हूँ छोटे छोटे स्टॉप लॉस मार्केट को देते रहो और मार्केट आपको जब एक बड़ा प्रॉफिट दे देगा सारे लॉसेस आपका कवर हो जाएगा, फिर से आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। और ये पैटर्न के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मली यहाँ पे वीकली चार्ट में डॉक्टर रेड्डी ने ब्रेकआउट दिया है। नॉर्मली जब ब्रेकआउट देता है हमको एक कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन क्या है, ये वीक का अगर हाई क्रॉस करता है यहाँ पे बाइंग होना चाहिए। जनरली ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, और 5000 रुपये का स्टॉक है तो आप यहाँ पे 5200 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट, देखिए फर्स्ट टाइम ऊपर गया, बहुत अच्छे कैंडल बना के गया, रिट्रेस हुआ, फिर ये ऊपर गया, इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब ये जा रहा है ये रेजिस्ट कर रहा है, फिर ये नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूसली टाइम स्पेंड किया वीकली बेसिस के अंदर 5000 से 5300 के बीच में ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक इसने हॉल्ट किया, उसके बाद लास्ट वीक इसने एक ब्रेकआउट दिया। इसका मतलब यहाँ पे बायर एक्युमुलेट हुए, ये रेजिस्टेंस जो था ये धीरे धीरे वीक बन गया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे चुका है। तो ये अगर कंटिन्यू करेगा 200 रुपये का स्टॉप लॉस इसके अंदर भी रहेगा, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है, और आपका टारगेट 400 to 500 पॉइंट हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स, थैंक यू।